15 अप्रैल को जिले में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई हैं, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि चुनाव को संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टी चुनाव सामग्री लेने के लिए बूथ के लिए रवाना हो गई है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान पद के चुनाव के लिए जनपद में 4,657 बूथ बनाए गए हैं, जहाँ मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टी की रवानगी पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टी 15 अप्रैल को अपने बूथ पर शांतिपूर्ण मतदान को संपन्न कराएंगी। उन्होंने बताया कि जिस ग्राम पंचायत में प्रधान प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है, वहां पर ग्राम प्रधान के पद का चुनाव नहीं होता है, बाकी सभी पदों का चुनाव होगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग जब निर्देशित करेगा तो ग्राम प्रधान के पद का उपचुनाव कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, आज हमारे जनपद में, जनपद गोरखपुर में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के निर्वाचन की पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। हमारे जनपद में कुल 4,657 मतदान केंद्र हैं, पोलिंग बूथ हैं। वहां पोलिंग पार्टियों को हमारे कुल 20 ब्लॉक से रवाना होना है। रवानगी लगभग पूर्ण हो चुकी है। अब इन लोगों को कल सुबह अपने अपने बूथ पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराना है। इसमें नियम ये है कि जहाँ पे भी जिस ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान की मृत्यु होती है तो केवल ग्राम प्रधान के पद का वहाँ पर चुनाव नहीं होगा, वहाँ जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव होगा। अर्थात वहाँ पर मतदान होगा, केवल और केवल प्रधान का बैलेट पेपर वहाँ नहीं रखा जाएगा। फिर निर्वाचन आयोग जब नोटिफाई करेगा तब वहाँ के प्रधान का पुनः चुनाव होगा।